दोस्तों यदि आपकी कोई पीडीएफ फाइल है और आप अपनी पीडीएफ फाइल की कोई पर्टिकुलर पेज को डिलीट करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहां पर पीडीएफ को ओपन करता हूं। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर कुछ पेजेस हैं, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूं? अगर आपकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आज हम एक वेबसाइट के द्वारा पर्टिकुलर पीडीएफ पेज को डिलीट करना बताएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम जाते हैं गूगल क्रोम में एंड यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करते हैं जिसका नाम है स्मॉल पीडीएफ। आपको सिंपल सा इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक पहले ही आ जाएगा, हम इसको क्लिक दें एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यह है सी ऑल पीडीएफ टूल। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा डिलीट पीडीएफ पेजेस, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये टूल ओपन हो जाएगा। इस टूल के अंदर केवल आप पीडीएफ पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सा हम स्विच पर क्लिक करते हैं। स्विच पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम डिवाइस, फ्रॉम स्मॉल पीडीएफ, फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, फ्रॉम गूगल ड्राइव। आपकी अगर फाइल गूगल ड्राइव पर है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर ड्रॉप बॉक्स पर है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं डायरेक्टली। तो हमारे ये कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर। एंड दोस्तों हम यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं एंड यहाँ है व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली फाइल, इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपके सामने वो पेजेस आएंगे जो आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर हैं। आप किसको डिलीट करना चाहते हैं आप तय कीजिए। तो मैं यहाँ पर इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं केवल दो ही पेज रखता हूँ इसके अंदर, तो मुझे सभी डिलीट करना है, केवल इनको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई चेंजेस क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा, मैंने केवल इतने ही पेज रखे हुए हैं। एंड यहाँ लिंक, अगर आप डाउनलोड लिंक बनाना चाहते हैं सिंपल से आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर स्विच है, आप इसे अगर आप इसे गूगल ड्राइव पर सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एंड ड्रॉप बॉक्स में करना है तो आप ड्रॉप बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे करना है सिंपल सा कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, मैं यहाँ सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड देखिए फाइल डाउनलोड हो गई। अब हम जाते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के डाउनलोड वाले फोल्डर में, एंड दिस पीसी एंड डाउनलोड, यहाँ है फाइल, इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दो ही पेज आ रहे हैं। तो दोस्तों हम इस तरह स्मॉल पीडीएफ वेबसाइट से फ्री में पेजेस डिलीट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।